कब होगी तुम्हारी चाय? मुझे देर हो रहा है। निकल निकल, बहुत देर हो रहा है तुझको, चल जा, मैं अभी दरवाजा खोल के देता हूं। क्या समझता है आपने, आपको पता नहीं देर हो रहा है। ये लीजिए आपका चाय। इतना देर होता है क्या? देर तो होगी ना, बहुत सारा काम होता है। नहीं नहीं सब अच्छा है, तुम्हारे कैसे सब? हाँ। मायके से बस फोन आया तो कितना खुश हो रही है देख। मैं क्या कहती हूँ बहू, तू मायके में जाके रहना खुशम खुश। ए खुशम खुश, तुम क्यों जलती हो? जलने का क्या है इसमें, और मैं क्यों जलूंगी इसके मायके वालों के फोन से? क्योंकि आज तक तुम्हारे मायके से ना फोन आया ना चिट्ठी। मेरे मायके वाले क्लासलेस नहीं है, वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करते बार बार फोन करके। क्यों करेंगे वो तुमको परेशान? सबसे बड़ी परेशानी हमारे पास जो भेजती है। हाँ। ए ढेबड़ी, हंस मत ऐसे, दिख रहे सब आगे वाले। बिना रीजन की हंसती है, किसी पर भी हंसती है। अरे तू ही सबसे बड़ी जोखिया है। बस बहुत हो गया। ओ सुनिए, आपको आज मेरे साथ बाजार आना पड़ेगा। बाजार? हाँ बाजार। नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है ऑफिस में, मैं 8 बजे आऊंगा रात को। पापा सच में काम है। ठीक है ललिता, तुम चली जाओ। चलिए सुमा। मैं क्यों? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही इसके साथ। वैसे भी क्या काम करती हो, दिन भर पड़ी रहती हो। देखिए बाजार जाना ही है तो मैं अकेली जाती हूँ, इसके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं ससुर जी, पिछली बार हमने इनको अकेले भेजा था श्रेया के साथ, क्या किया, कुछ सब्जी नहीं लाई, पर्स घर पे भूल गई। हाँ एकदम बराबर, अकेली मत जाना तुम, कुछ नहीं करती। आपकी तैयारी करना, मैं 10 मिनट में आती हूँ, 2 मिनट में।